नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे G20 ग्रुप के बारे में। तो G20 20 देशों का समूह है जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। और ये मेनली ये जो G20 है ये वित्त मंत्री यानी कि 20 देश के वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक होते हैं यानी कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नरों का समूह है। और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। तो जैसा कि कहा आपको कि G20 का स्थापना वर्ष 1999 में किया गया था, लेकिन जब वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर आया तो 2008 में शिखर सम्मेलन भी इसी के द्वारा चालू किया गया। और पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो देखिए, जो सम्मेलन होते हैं नॉर्मली लोग इसमें मिलते हैं। शिखर सम्मेलन क्या होता है, किसी भी देश का जो प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख, वो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, शिखर सम्मेलन में। तो शिखर सम्मेलन होना 2008 से चालू हुआ और पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। तो जैसा कि इसमें 20 देश सदस्य शामिल हैं तो 2008 में पहला हुआ। और आगे हम बात करेंगे तो इसमें G20 में जो सम्मेलन होता है दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है मंत्री स्तरीय या शिखर सम्मेलन जिसको बोल दिया जाता है, और दूसरा होता है वित्त शिखर सम्मेलन। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं, और शिखर सम्मेलन में देश के सरकार प्रमुख शासन शामिल होते हैं। तो G20 में शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 से होना चालू हुआ, ये एक फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि G20 में शिखर सम्मेलन होना कब से चालू हुआ, ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वो पहला शिखर सम्मेलन था और कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन DC में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि G20 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील व्यवस्थाओं वाले देश को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। अब G20 की अगर हम बात करें तो इसमें 20 देश शामिल हैं। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि G20 के जो सदस्य देश हैं इनके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा है, साथ ही साथ वैश्विक बाजार का 1/3 यानी कि 4/3 यानी कि 75% वैश्विक बाजार का इनके पास हिस्सा है। इसके अलावा विश्व आबादी का 2/3 हिस्सा और वैश्विक गरीबी का आधा हिस्सा G20 देश के पास है। फिर ठीक है, अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि G20 में जो स्पेन देश है जो कि इस देश में शामिल नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, ये जब इसकी मीटिंग होती है G20 का तो हर वर्ष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। और स्पेन एक ऐसा देश है जो कि G20 का स्थायी अतिथि है और इसे हर वर्ष आमंत्रित किया जाता है। और जब G20 का मीटिंग होता है तो स्पेन के अलावा G20 के मेहमानों में आसियान जो देश है जो जिसमें 10 राष्ट्र हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो आसियान राष्ट्र हैं उनके अध्यक्ष, साथ ही साथ 2 अफ्रीकी देश और एक या एक से अधिक कोई भी देश को G20 के अध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। और G20 में अगर शामिल देश की अगर हम बात कर लें तो 20 देश हैं इसमें, यानी कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो देशों की अगर हम बात कर लें तो थोड़ी सी दिक्कत होता है इसको याद करना। तो अल्फाबेटिकल में है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, UK और USA। ध्यान दीजिएगा स्पेन इसका स्थायी सदस्य नहीं है, सिर्फ वो एक मेहमान है जो कि स्थायी मेहमान है और हर वर्ष उसको बुलाया जाता है। इसके अलावा आसियान देश के अध्यक्ष को बुलाया जाता है, साथ ही साथ 2 अफ्रीकी देश आते हैं और एक या एक से अधिक देश को जितना चाहें G20 के अध्यक्ष बुला सकते हैं। तो वर्ष 2019 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 का सम्मेलन जो हुआ था ये जापान के ओसाका शहर में हुआ था और ये 12वां सम्मेलन था वर्ष 2019 का। और वर्ष 2018 की हम बात करें तो ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में हुआ था
और ये 11वां सम्मेलन था, जबकि वर्ष 2020 में जो सम्मेलन होना है G20 का, ये नवंबर महीने में होना है सऊदी अरब के रियाद शहर में, ठीक है। और ये 13वां समिट होगा। और वर्ष 2021 की अगर हम बात करें तो ये 14वां सम्मेलन होगा, जो कि इटली के रोम शहर में आयोजित किया जाना है। और 15वें सम्मेलन की बात करें, शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो 15वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में भारत में होगा, भारत के नई दिल्ली शहर में। तो ये था G20 के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ये इसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।